गुड आफ्टरनून। क्लास में कौन आ गया है? हम लोगों ने बहुत सारे थिंकर्स को पढ़ लिया है, जितने हमारे सिलेबस में है सिर्फ दो बचे हैं ना, गांधी जी बचे हैं और कौन बचा है, अरविंदो बचे हैं। तो आज हम उन दोनों लोग को पढ़ लेंगे, ओके, कि इन्होंने एजुकेशन को लेके क्या क्या बातें कही हैं, ये हम लोग को इसमें पढ़ना है। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। ये पैदा कहाँ हुए थे? बॉर्न इन गुजरात, 2 अक्टूबर को गुजरात में ये पैदा हुए थे, 1869 को हुए थे। और टू पिलर्स ऑफ गांधीज्म आर ट्रुथ एंड वायलेंस। गांधी जी के दो तरीके के पिलर हैं, इसी पे जो गांधीवाद है वो इसी पे खड़ा है। दो पिलर क्या क्या हैं? ट्रुथ मतलब सत्य, और नॉन वायलेंस का मतलब क्या हो गया? अहिंसा। सत्य और अहिंसा की बातें गांधी जी हमेशा करते हैं। गांधी जी क्या थे? वो एक तरह के क्या थे? फिलोसफिकल पर्सन थे। हाँ, उन्होंने फिलोसफी दी है। एजुकेशन में क्या उनकी जो फिलोसफी थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, आउटकम्स ऑफ लॉन्ग एक्सप्रेशन इन द पॉलिटिकल एंड सोशल एंड इकोनॉमिक्स लाइफ इन आवर कंट्री। मतलब महात्मा गांधी का शिक्षा का जो दर्शन जो उन्होंने दिया है वो देश के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विकास में जो उनका अनुभव हुआ वो अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने शिक्षा का फिलॉसफी दिया, शिक्षा के क्षेत्र में बताया कि क्या क्या करना चाहिए, कैसा करिकुलम होना चाहिए, कैसा मेथड ऑफ टीचिंग होना चाहिए। अभी हम लोग आगे की स्लाइड में ये सब एक एक करके पढ़ेंगे। और फोर्थ पॉइंट क्या है? द मीनिंग ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी। गांधी जी के अनुसार एजुकेशन की मीनिंग क्या है? गांधी जी ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते थे, ऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते थे। ये क्या बोलते हैं कि बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट भी होना चाहिए, उसका मेंटल डेवलपमेंट भी होना चाहिए और उसका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी होना चाहिए। मतलब हमें सिर्फ बच्चे को पढ़ाना नहीं है, सिर्फ उसको उसके अंदर एक नॉलेज नहीं भर देनी है बच्चे के अंदर, हमें उसका पूरा डेवलपमेंट करना है, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट हमको करना है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये दो बार हो गया फिलॉसफी, एक ही बार हो गया फिलॉसफी ऑफ गांधी जी। दो बार हो गया तो फिलॉसफी ऑफ गांधी जी, ठीक है। क्या फिलॉसफी हुई थी? ट्रुथ, सत्य के ऊपर इन्होंने बात की थी। क्या बोली थी? सत्य, सत्य क्या है? भगवान ही सत्य है और सत्य ही भगवान है। और इन्होंने क्या दिया था फिलॉसफी में? नॉन वायलेंस को बताया था, मतलब अहिंसा के पुजारी हैं। आप सब लोग जानते हैं गांधी जी अहिंसा के पुजारी थे। हमें भी किसी चीज का मतलब फेयरलेस होना चाहिए, मतलब कि भयमुक्त होना चाहिए, ओके। किसी भी डिजीज का, अपनी जो कोई भी इंजरी हुई, डेथ का, ये सब चीजों से क्या होना चाहिए, या फिर हमारा कोई अपना करीबी कभी गुजर गया या फिर हमसे ऐसे कुछ दिन के लिए दूर हो गया, तो ये सब चीजों से हमको फेयरलेस होना चाहिए। और इन्होंने क्या बोला था? सत्याग्रह। सत्याग्रह का मतलब ही होता है कि सत्य के लिए आग्रह करना, मतलब जो चीज सत्य है वो फिर सत्य है।
सत्य मीन्स होल्डिंग फास्ट ऑफ ट्रूथ, मतलब कि सत्याग्रह का अर्थ है सत्य को दृढ़ता से धारण करना, ठीक है, जो चीज सत्य है उस पे अडिग रहना। गांधी जी भी ऐसे ही थे, अहिंसा के पुजारी थे और सत्याग्रह इन्होंने चलाया था, तो जो सत्य है उस पे ये अडिग रहे। और ये हम लोग को भी शिक्षा देते हैं कि ऐसा हम लोग को भी अपने जीवन में करना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन, आत्म अनुशासन एंड सेल्फ प्योरिफिकेशन, मतलब कि इन्होंने ये फिलोसफी दी है कि सेल्फ डिसिप्लिन, जो हमारा डिसिप्लिन है, जो हमारे अंदर का डिसिप्लिन है, सेल्फ डिसिप्लिन है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और सेल्फ प्योरिफिकेशन मतलब कि खुद का शुद्धिकरण करना बहुत जरूरी है। खुद का शुद्धिकरण का मतलब क्या हो गया कि अपने अंदर वैल्यूज को ले आना, हमारे जो निगेटिव थॉट्स हैं उसको हटाना, ये हो गया हमारा सेल्फ प्योरिफिकेशन। और सेल्फ डिसिप्लिन क्या मतलब, खुद को डिसिप्लिन में रखना है, ये मतलब जो हमारा टारगेट है उसके लिए अगर हम कुछ रास्ता अगर चुन लिए कि हमको इस टारगेट पे पहुंचना है, तो अपने खुद डिसिप्लिन में रह के और उसके उस मंजिल तक पहुंचने के लिए हमको एक डिसिप्लिन वे में, एक मतलब अच्छे वे में उस चीज को आगे बढ़ना है। हाँ, पहले अपना सेल्फ अनुशासन रखना बहुत जरूरी है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे एम्स ऑफ गांधीयन एजुकेशन, मतलब जो गांधीवादी एजुकेशन है उसका एम क्या है। गांधी जी डिवाइडेड एजुकेशन एम इनटू टू कैटेगरी, इन्होंने पूरे जो एजुकेशन का जो एम है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव एजुकेशन का है, उसको दो भागों में डिवाइड कर दिया है। पहला भाग क्या है, इमीडिएट एम्स ऑफ एजुकेशन, और दूसरा भाग क्या है, अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन, मतलब शिक्षा के तत्काल उद्देश्य क्या है और शिक्षा का अंतिम उद्देश्य क्या है। शिक्षा का तत्काल उद्देश्य का मतलब है कि जो जो चीजें बच्चे को मैं तुरंत सिखानी है, वो हो गया शिक्षा का तत्काल उद्देश्य, मतलब कि बच्चा एडमिशन लिया, ये अलग अलग स्टेज में इसको बांटे हुए हैं, अभी आगे भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर बच्चा एडमिशन लिया तो उसको पहली स्टेज में क्या पढ़ाना, दूसरी में क्या पढ़ाना है, वो फिर यूनिवर्सिटी में गया तब उसको क्या पढ़ाना है, तो ये है उसका इमीडिएट स्टेज हो गया, इसमें एम्स में हो गया। और बाद में क्या है कि उसको ओवरऑल क्या उसका करना है, उसको क्या पढ़ाना, ओवरऑल मतलब क्या डेवलपमेंट ले आना, क्या करिकुलम निर्धारित करना है उसके लिए, वो हो जाएगा द अल्टीमेट एम ऑफ एजुकेशन। एक एक करके हम लोग देखते हैं, ये पहला था इमीडिएट एम ऑफ गांधी एजुकेशन, उसमें क्या क्या था, वोकेशनल एम था, कल्चरल एम है, वोकेशनल मतलब व्यावसायिक एम, मतलब ऐसे शिक्षा देना है कि उसको अपने जीवन में उसका कुछ फायदा निकले, मतलब व्यावसायिक चीजें करना, यानी आर्ट एंड क्राफ्ट सिखा दिया, उसको डांस सिखा दिया, उसको एग्रीकल्चर सिखा दिया, ये हो जाएगा वोकेशनल एजुकेशन, वोकेशनल एम मतलब वोकेशनल चीजों को ध्यान में रख के शिक्षा देना है। दूसरा क्या, कल्चर है, मतलब वो किस कल्चर से आता है उसकी भी उसको शिक्षा देना, ताकि वो अपने कल्चर के बारे में अच्छे से अच्छे जान पाए। और ये क्या है, परफेक्ट डेवलपमेंट एम, मतलब कि ओवरऑल डेवलपमेंट इसका हो गया। और तीसरा क्या हुआ, मोरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट एम, मतलब कि बच्चे का हमको हमको बच्चे के अंदर मोरालिटी भी डेवलप करनी है, उसके अंदर वैल्यूज भी ले आनी है, हाँ मतलब नैतिकता भी ले आनी है, और कैरेक्टर डेवलप, और उसका कैरेक्टर भी हमको अच्छे से डेवलप करना, मतलब उसके अंदर सब गुण ले आना, ओवरऑल डेवलपमेंट की ये बात की है गांधी जी। तो हम लोग देखेंगे इमीडिएट एम हम लोग देख चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे कि अल्टीमेट एम्स ऑफ गांधी एजुकेशन का क्या है। तो पहला क्या है, रियलाइज गॉड, ये गॉड में विश्वास करते थे, इसलिए ये बोलते थे कि हमें बच्चों को गॉड में विश्वास करना भी सिखाना, चाहे वो किसी धर्म का, हर धर्म का अपना कोई ना कोई गॉड है। हिंदू का क्या है, हम लोग के बहुत सारे भगवान हैं, हाँ अनेक भगवान हैं, मुसलमान में अल्लाह में है, हाँ क्रिश्चियन में यीशु है, तो उनके भी विश्वास, मतलब सब मिला के जो हमारे बच्चे हैं जिसको हम पढ़ा रहे हैं उसको हम गॉड का विश्वास करना सिखाएंगे। विजडम, विजडम का मतलब क्या होता है, लव होता है, अभी फिलॉसफी में हम लोग पढ़ेंगे इसको। तो विजडम का मतलब ये हो गया कि बच्चे के अंदर हमको विजडम का डेवलपमेंट करना, मतलब पशु पक्षियों जीव से प्यार करना सिखाना हो गया इसमें। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब
खुद को पहचानना, आत्म साक्षात्कार मतलब कि खुद को पहचानना कि हमारे अंदर क्या कमी है, क्या अच्छाई है, क्या हमारी स्ट्रेंथ है, क्या हमारी वीकनेस है। ये हो जाएगा सेल्फ रियलाइजेशन, हमारी जो स्ट्रेंथ है उसको हम और मजबूत करें, हमारी जो कमी है, हमारे अंदर जो वीकनेस है उसको हम दूर करने का प्रयास करें। ये कब होगा? जब हमारे अंदर सेल्फ रियलाइजेशन आएगा। कुछ लोग होते हैं गलती करके सॉरी नहीं बोलते हैं, होता है ना, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके अंदर सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है, वो खुद नहीं जान रहे हैं कि उन्होंने गलती की है। अब हम लोग पढ़ेंगे, गांधी जी ने एक कोर्स दिया है उसको हम लोग देखते हैं। क्या बोला है एजुकेशन के ऊपर? टू डेवलप द सेल्फ इज टू बिल्ड कैरेक्टर एंड टू प्रिपेयर द सेल्फ फॉर कंप्लीट रियलाइजेशन एंड रियलाइजेशन ऑफ गॉडलेस गॉडलेसनेस। ओके, इसका मतलब ये हो गया कि स्वयं का विकास करना ही क्या है? चरित्र का निर्माण है। टू डेवलप द सेल्फ मतलब स्वयं का विकास करना ही चरित्र का निर्माण है, और स्वयं को पूर्ण बोध और ईश्वर की प्राप्ति के लिए तैयार करना ही क्या हो गया? शिक्षा हो गई, कंप्लीट रियलाइजेशन। ठीक है, एंड क्या हो गया? ईश्वर की प्राप्ति के लिए तैयार करना, उन्होंने ऐसा बोला है। हम लोग नेक्स्ट पे आ जाएंगे, एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ महात्मा गांधी या प्रिंसिपल ऑफ बेसिस एजुकेशन। ठीक है, महात्मा गांधी ने कौन सा एजुकेशन दिया था? बेसिक एजुकेशन भी दिया था बात, इसको वर्धा एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन बहुत सारे नाम से इसको जानते हैं। क्या बोला था इसमें, क्या बोला था इन्होंने? फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। सबसे पहले फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात गांधी जी ने बोली थी कि 14 साल तक के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देनी चाहिए, और जो उसका मीडियम होना चाहिए वो मदर टंग होना चाहिए एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब अगर कोई बच्चा नॉर्थ का है तो नॉर्थ में ज़्यादा क्या चलता है? नॉर्थ में ज़्यादा हिंदी चलती है, तो उसको उसकी मदर टंग हिंदी हो गई। कहीं कहीं मतलब रीजनल लैंग्वेज भी चलती है, जैसे भोजपुरी हो गया, मैथिली हो गया, अवधी हो गया, तो थोड़ा थोड़ा रीजनल लैंग्वेज भी हर जगह चलती है। तो या तो उसको हिंदी में शिक्षा दी जाए, या तो उसको जो उसकी रीजनल लैंग्वेज मदर टंग है उसमें भी शिक्षा दी जा सकती है। जैसे कि साउथ इंडियन को देखिए, साउथ इंडियन में क्या है? तमिल चलती है, तेलुगु चलती है, कन्नड़ चलती है, मलयालम चलती है। तो वहाँ की साइड का जो बच्चा है उसको, तमिल का बच्चा तो तमिल में उसको शिक्षा दी जाए, तेलुगु का बच्चा तेलुगु में दी जाए, मलयालम का तो मलयालम दी जाए, कर्नाटक का है तो कन्नड़ का दी जाए। और क्राफ्ट सेंटर इसका मतलब क्या हुआ? शिल्प केंद्रित, मतलब कि क्राफ्ट वाली, जैसे कि मतलब आर्ट की, डांस की, इस तरह की उसको शिक्षा दी जाए ताकि वो आगे उसको रोजगार मिल सके। और इन्होंने सब जगह आप देखेंगे नॉन वायलेंस हर जगह इन्होंने किया है। जहाँ गांधी जी हैं वहाँ नॉन वायलेंस तो है, तो नॉन वायलेंस मतलब अहिंसा की बात बोली। और आइडियल सिटीजन मतलब कि एजुकेशन का सबसे बड़ा जो प्रिंसिपल क्या है, एक आइडियल सिटीजन का निर्माण करना, मतलब एक आदर्श नागरिक। क्योंकि जो हमारे समाज में जितने नागरिक हैं, ठीक है, मतलब एक देश का बात करेगा, देश में जितने नागरिक हैं अगर वो अच्छा रहेंगे तो ही हमारा देश आगे अच्छा कर पाएगा। इन्होंने तीन डोमेन की बात की है, ठीक है। पहला क्या है? फिजिकल डोमेन। दूसरा क्या है? साइको मोटर डोमेन। और तीसरा किसकी बात की है इन्होंने? कॉग्निटिव डोमेन। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। फिजिकल डोमेन क्या है? बाय डूइंग फिजिकल वर्क्स लाइक एग्रीकल्चर विच गिव्स गुड फिजिकल एक्सरसाइज। मतलब कि इन्होंने ओवरऑल डेवलपमेंट की बात की है, तो ओवरऑल डेवलपमेंट मतलब उसका मेंटल डेवलपमेंट और उसका फिजिकल डेवलपमेंट दोनों करना है। तो जब फिजिकल डोमेन की बात होगी तो मतलब बच्चे को फिजिकली एक्टिव रखना है, उसमें क्या करना है उसको, जैसे कि एग्रीकल्चर का कोई वर्क करा सकते हैं, ठीक है। इनका मतलब जैसे एक इसमें उदाहरण दिया है इन्होंने, उसका फिजिकल डोमेन भी हमको मजबूत करना है। साइकोमोटर का क्या हो गया? बाय डेवलपिंग सोशल स्किल, मतलब बच्चे के अंदर सोशल स्किल का भी डेवलपमेंट करना है ताकि वो सोशल ग्रुप को समझ सके और हाउ टू बिहेव, कैसे हमको समाज में बिहेव करना है इस चीजों के बारे में भी जान सके। हाउ टू वर्क इन ए ग्रुप, कि हमको ग्रुप में कैसे काम करना, मतलब एक तरह से क्या हो गया इसका साइकोमोटर का, मतलब सामाजिक डेवलपमेंट करना है इसके अंदर, कि हमको समाज में कैसे रहना है, कैसे बिहेव करना है। हाउ टू वर्क इन ग्रुप मतलब हमको ग्रुप में कैसे काम करना है। हाउ टू कोऑर्डिनेट मतलब एक दूसरे से कैसे कोऑर्डिनेशन बना के चलना है। और क्या हो गया तीसरा? क्या हो गया?
कॉग्निटिव डोमेन मतलब संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक क्या क्या चीजें आ जाएंगी, थिंकिंग स्किल मतलब कि सोचने समझने की क्षमता कैसी है, एनालाइजिंग कैसे कर रहा है, हाँ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, मतलब जो दिमाग की एक्टिविटी है कॉग्निटिव डोमेन का यही मतलब, जो दिमाग से जो सोचने समझने की क्षमता, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो ये जो चीजें हैं इसको भी हमको मजबूत बना के चलना है। तो तीन तरह के डोमेन इन्होंने बताए थे, फिजिकल, साइको मोटर, कॉग्निटिव। तो ये और थिंकर से ये चीज अलग है, तो ये चीज आप लोग थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये उसका हिंदी लिखा हुआ, भौतिक क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन और संज्ञानात्मक डोमेन। कृषि जैसे शारीरिक कार्य करने के लिए जो अच्छा शारीरिक व्यायाम मतलब यही है कि कृषि के उदाहरण दिया। साइकोमोटर में क्या, सामाजिक कौशल विकसित करते रहते हैं, व्यवहार करना, समूह में कैसे काम करना और कैसे समन्वय करना। संज्ञानात्मक डोमेन का क्या हो गया, सोच कौशल विकसित करना, विश्लेषण का कौशल विकसित करना, आकलन से तैयार करने के लिए कितना खर्चा होगा, कितनी सामग्री की आवश्यकता होगी, मतलब एक तरह से क्या इसका एग्जाम्पल दिया गया है। अब हम लोग देखेंगे गांधी जी ने क्या करिकुलम सजेस्ट किया था। इट्स करिकुलम इज एक्टिवली सेंटर्ड, मतलब ये एक्टिविटी पे ज्यादा ध्यान दिया है इन्होंने, मतलब कि चाइल्ड सेंटर ज्यादा बताया है चीजों को, और हमें लर्निंग बाय डूइंग करके ही सीखना है, लर्निंग बाय डूइंग और प्रैक्टिस से सीखना है। और क्या हो गया, इट एम्स टू प्रिपेयर द चाइल्ड फॉर प्रैक्टिकल वर्क। इनका क्या है, करिकुलम ऐसा होना चाहिए कि चाइल्ड जो है, बच्चा जो है, वो प्रैक्टिकल वर्क के लिए प्रिपेयर हो सके, मतलब प्रैक्टिकल वर्क पे ज्यादा से ज्यादा फोकस करना, और एक्सपेरिमेंटल वर्क पे कंडक्ट, मतलब करिकुलम में ऐसी चीज शामिल करनी है जिससे बच्चा प्रैक्टिकल भी कर सके, जिससे बच्चा एक्सपेरिमेंट भी कर सके और जिससे बच्चा रिसर्च भी कर सके, ताकि उसका जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो। क्योंकि जब बच्चा कोई चीज प्रैक्टिकली करके देखेगा वो चीज उसके दिमाग में ज्यादा अच्छे से आएगी। अब हम लोग नेक्स्ट सूत्र चलते हैं, गांधी जी इंक्लूड मदर टंग, इन्होंने करिकुलम में क्या क्या इंक्लूड करने के लिए बोला था, तो ये हम लोग आगे के लिए देखेंगे। क्या क्या बोला था, मदर टंग, मदर टंग की बोला था कि जो शिक्षा मदर टंग में हो, बेसिक क्राफ्ट के बारे में भी बताइए, अर्थमेटिक का भी नॉलेज दीजिए, और बच्चों को सोशियोलॉजी का भी नॉलेज दीजिए, जनरल साइंस का नॉलेज दीजिए, आर्ट्स एंड म्यूजिक एंड अदर सब्जेक्ट का भी नॉलेज दीजिए। इन्होंने इतने सब्जेक्ट को, और भी कुछ सब्जेक्ट हैं मतलब मेन मेन ये जो सब्जेक्ट हैं, इसको रिकमेंड किए थे। ही फर्दर एडवोकेट दैट द प्रिंसिपल फॉर बॉयज एंड गर्ल्स, इन्होंने एक अलग सी बात कही थी, तो ये बात ध्यान में रखने वाली है आगे। ये तीनों तो बहुत लोगों ने बोला था अलग, गांधी जी ने ये बोला था कि बॉयज और गर्ल्स का करिकुलम एक से लेकर चार कक्षा तक, 1 to 4th जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, पर जो 4 के बाद है, जो 5th के आगे का होना चाहिए, वो थोड़ा सा अलग होना चाहिए, ठीक है ना। द बॉयज शुड टीच क्राफ्ट, बच्चों को कुछ क्राफ्ट वर्क बताइए, और लड़कियों के लिए कैसा करिकुलम, होम साइंस उसमें ऐड करिए। तो इन्होंने बच्चों को और बच्चियों को थोड़ा अलग करके करिकुलम के बारे में बोला है। इसका हिंदी है, इसका पाठ्यक्रम सक्रिय रूप से केंद्रित है, मतलब प्रैक्टिकल वर्क पे ज्यादा जोर देता है। इसका उद्देश्य क्या, बच्चों को व्यवहारिक कार्य करने के लिए तैयार करना, प्रयोग करना और अनुसंधान मतलब कि रिसर्च करने के लिए तैयार करना। महात्मा गांधी ने मातृ शिक्षा को करिकुलम में शामिल करने को बोला, आधार शिक्षा को, अंगणित को, समाज शास्त्र को, समान विज्ञान, कला, संगीत, अन्य विषयों को भी शामिल करने को बोला था। उन्होंने आगे वकालत की, मतलब उन्होंने ऐसा बताया, एडवोकेट किया कि कक्षा 1 से कक्षा 4 तक के लड़कों और लड़कियों के लिए पाठ्यक्रम समान होना चाहिए, उसके बाद लड़कों को कुछ शिल्प सिखाइए और लड़कियों को क्या सिखाइए, गृहविज्ञान सिखाइए। गांधी मेथड ऑफ टीचिंग, गांधी जी ने क्या रिकमेंड किया कि टीचिंग का मेथड क्या होना चाहिए, तो इसको देखते हैं। टू अचीव मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट पाने के लिए क्या करना है, हमको बच्चे के जो सेंसेज हैं उसकी ट्रेनिंग देनी है, पार्ट्स ऑफ बॉडी मतलब ज्ञान इंद्रिया और कर्म इंद्रिया दोनों की टीचिंग बच्चे को देनी है, कि हम अपने ज्ञान इंद्रियों को कैसे यूज करना, हाउ टू यूज आवर सेंस ऑर्गन एंड हाउ टू यूज आवर मोटर ऑर्गन। और क्या हो गया, दूसरा क्या हो गया, रीडिंग सूट
प्रिसीड द टीचिंग ऑफ राइटिंग, मतलब इस पे भी फोकस करना है, पढ़ने लिखने पर भी फोकस करना है। बिफोर टीचिंग ऑफ द अल्फाबेट्स आज ट्रेनिंग शुड बी गिवन, जैसे आज के समय में हो रहा है कि अगर हम बच्चे को अल्फाबेट बनाते हैं तो उसको ऐसे नॉर्मल हमको नहीं बनाना है, उसको थोड़ा सा मतलब क्रिएटिव तरीके से बनाना है, उसको आर्टिस्ट तरीके से बनाना। मतलब एप्पल हो गया तो एप्पल सीधा बच्चा नहीं बना पाएगा, हाँ थोड़ा सा हम लोग अच्छे से बनाएंगे उसको, ऐसे करके बना दिए एप्पल तो थोड़ा उसको अच्छा लगा। उसमें पहले तो बच्चा क्या किया, पहले तो ऐसे ऐसे बना के दे दिए डॉट डॉट, तो बच्चा उसको क्या पहले तो उसको जोड़ेगा, ठीक है अच्छा लगा उसको, फिर उसमें क्या उसमें रेड कलर भर दो, रेड कलर भरा, नीचे में ग्रीन भरो तो ग्रीन भरा, तो थोड़ा उसको अलग तरीके से सिखाना है। मोर अपॉर्चुनिटी शुड बी गिवन फॉर लर्निंग बाय डूइंग, मतलब लर्निंग बाय डूइंग पे हमको ज्यादा फोकस करना है और उसको बच्चे को अपॉर्चुनिटी ज्यादा से ज्यादा देनी है कि वो लर्निंग बाय डूइंग करके ही कोई भी चीज सीखे, प्रैक्टिकल वर्क और रिसर्च वर्क करके ही बच्चा सीखे। इनकरेजमेंट शुड बी गिवन टू लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस, मतलब उसको लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस पे ही फोकस ज्यादा करना कराना है और उसको इनकरेज करना है उसके लिए। हिंदी देखते हैं, मानसिक विकास प्राप्त करने के लिए इंद्रियों और शरीर के अंगों का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। मानसिक विकास कैसे होगा, जब उसकी इंद्रियां अच्छे से काम करेंगी, उसकी ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां दोनों काम करेंगी तो मानसिक विकास उसका अच्छा होगा, और टीचर्स को चाहिए कि उसी का प्रशिक्षण देने पे ज्यादा जोर लगाए। पढ़ना लेखन के शिक्षण से पहले होना चाहिए, ठीक है, मतलब कि पढ़ाना पहले है बच्चे को, उसके बाद लिखाना, मतलब एप्पल ए बी सी डी पहले उसको रटवाना है, फिर उसके बाद हम लोग राइटिंग पे आएंगे। ऐसे बच्चे क्या होता है जल्दी सीखते हैं। वर्णमाला सीखने से पहले कक्षा का कला का प्रदर्शन देना चाहिए बोले, और करके सीखने पे अधिक अवसर देना चाहिए, अनुभवों के माध्यम से सीखने को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। सिग्निफिकेंस ऑफ गांधीज एजुकेशन इन द प्रेजेंट इंडियन कॉन्टेक्स्ट, मतलब कि जो प्रेजेंट का चल रहा है, प्रेजेंट का समय चल रहा है, उसमें गांधी जी के जो एजुकेशन का बताया है उन्होंने, जो जो रिकमेंडेशन दिया है, उसमें क्या क्या महत्वपूर्ण है, मतलब समझ में आया ये बात, मतलब कि आज के समय में गांधी जी का एजुकेशन कैसे महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजों की बात की है जो कि हमारे प्रेजेंट जीवन में भी लोग इसको मान रहे हैं और उसको कर रहे हैं और उसमें सफल भी हो रहे हैं। इन्होंने बोला सत्याग्रह, नॉन वायलेंस और सत्याग्रह हर जगह आएगा, सत्याग्रह उसमें लाना है, ठीक है, मतलब सही चीजों को हमको एक्सेप्ट करना है, और वुमेन्स एम्पावरमेंट की बात की है, ग्लोबल इंडिया की बात की है, गांधी जी जो है वो ग्लोबल इंडिया की बात की है, मतलब कि जो इंडिया है वही ग्लोबल ग्लोबल मतलब कि विश्व पटल पर जाए। और जो अभी हम लोग पढ़े थे, इसके पहले अभी पढ़े थे हम लोग जय कृष्ण मूर्ति जो पढ़े थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने ब्रदरहुड की बात की है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भी हमेशा ब्रदरहुड की बात की है, मतलब इंटरनेशनल ब्रदरहुड कहने का मतलब है उसकी बात की, मतलब सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय भाईचारे की बात की, लेकिन गांधी जी ने कहीं सामाजिक भाईचारे की बात नहीं की है, तो ये उनका सबसे अलग बनाता है, इन्होंने इंडिया को ही ग्लोबल बनाने की बात की है। और क्या है, फ्री एजुकेशन की बात की है, मोरालिटी की बात की है, और सोशल सर्विस की बात की है। सोशल सर्विस कैसे कर सकते हैं, लाइक एनजीओ के थ्रू जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, बड़े बड़े एनजीओ जैसे प्रथम है, तो ये सब क्या है बच्चों को पढ़ाता है। प्रथम प्रथम से क्वेश्चन बहुत बार आया है, नेट में तो पता ही मैंने देखा नहीं है, लेकिन और भी छोटे मोटे एग्जाम होते हैं, टेट वगैरह, सी टेट वगैरह, टीएचटी पीएचटी में आता है। प्रथम एक एनजीओ है जो टीचिंग के फील्ड में काम करता है। इसमें क्या होते हैं, इसमें टीचर्स होते हैं जो अलग अलग स्कूल में जाके वहाँ के बच्चों को ट्रेन करते हैं और वहाँ के टीचरों को भी ट्रेन करते हैं, उनको किताब दवाई ये सब मुहैया करवाते हैं। सत्याग्रह हो गया, महिला सशक्तिकरण के बारे में बोला है, वैश्विक भारत के बारे में बोला, मुक्त शिक्षा, नैतिकता की बात की है, नैतिकता में, और समाज सेवा करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, जैसे एनजीओ वाले करते हैं, और भी तरीके से कर सकते हैं, किसी को फ्री एजुकेशन भी कर सकते हैं, किसी को हम किताब बांट देंगे तो भी समाज सेवा होगी एजुकेशन के फील्ड में, तो अलग अलग तरीके से करते हैं कर सकते हैं, पर एनजीओ बस इसका एक एग्जाम्पल है।
गया, राजनीति तो हम लोग पढ़ लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे अरबिंदो को। चलिए हम लोग पढ़ते हैं अरबिंदो को। अरबिंदो क्या है, ये कहाँ बॉर्न हुए थे, कोलकाता में बॉर्न हुए थे, 15 अगस्त के दिन बॉर्न हुए थे और 1872 में हुए थे। अरबिंदो घोष, इनका पूरा नाम अरबिंदो घोष था। एक फेमस क्या थे, संत थे, कवि थे, फिलोसफर थे और एक क्या था, एजुकेशनिस्ट थे। ठीक है, और क्या थे जो अरबिंदो वास्तव टू, ये 7 साल की उम्र में, 7 ईयर की उम्र में इंग्लैंड चले गए थे शिक्षा लेने के लिए और वहाँ पे ये 14 साल लगातार रहे। और जब 14 साल बाद आए तो ये एकदम से इनको बहुत सारी भाषाएं आ गई थी, जैसे कि इंग्लिश, ग्रीक एंड लैटिन और भी कुछ सारी, फ्रेंच, इनको स्पेनिश, ये सब भाषा भी इनको आ गई थी। तो इनको भाषा का बहुत ज़्यादा कमांड हो गया था जब ये 14 साल बाहर रहे लंदन में। तो एंड ही गॉट एजुकेशन, ये अपनी एजुकेशन कहाँ किए थे, लंदन के कैम्ब्रिज में किए थे एडमिशन, एडमिशन लिया और वहाँ उन्होंने अपनी एजुकेशन पूरा किया। मतलब बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, कैम्ब्रिज से पढ़े हैं। और ये पहली बार में ही सिविल सर्विस जो एग्ज़ाम है 1890 में इन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम पहले ही प्रयास में क्रैक कर लिया, यानी ये बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। बस यही, अरबिंदो का जन्म 15 अगस्त 1872 में कोलकाता में हुआ था। अरबिंदो घोष एक वक्त में एक प्रसिद्ध संत थे, कवि थे, दार्शनिक थे और शिक्षाविद थे। अरबिंदो को 7 साल की उम्र में इंग्लैंड भेजा गया और वहाँ ही 14 साल तक बने रहे। उन्होंने लंदन और कैम्ब्रिज में शिक्षा प्राप्त की और वे अंग्रेजी, ग्रीक और लैटिन के मास्टर बन गए। उन्होंने 1890 में भारतीय सिविल सेवा परीक्षा जो क्या है, पहले प्रथम प्रयास में ही उत्तीर्ण कर ली थी। अब अरबिंदो ने एजुकेशन के लिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल दिए हैं। प्रिंसिपल क्या क्या दिए हैं, चलिए देख लेते हैं हम लोग। एजुकेशन शुड बी चाइल्ड सेंटर, जो एजुकेशन है वो कैसा होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। और क्या होना चाहिए, रिलेटेड ऑफ द लाइफ, बच्चे के जीवन से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब कि जो एजुकेशन दे रहे हैं वो करिकुलम बनाते समय ऐसा ऐसा चीज उसमें डालें जो बच्चे के जीवन से रिलेटेड हो, उसी को मतलब एक तरह से हथियार बना के हम बच्चे को शिक्षा देंगे। जैसे कि अभी हम अगर आपको कोई एग्जाम्पल देते हैं तो ज्यादातर कोशिश करते हैं कि वो आपके जीवन से रिलेटेड हो ताकि वो चीजें ज्यादा समझ में आती। तो ये कहने का मतलब है, एजुकेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू मेंटल एप्टीट्यूड। सबका मेंटल एप्टीट्यूड जो है वो अलग अलग होता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रख के बनाना है शिक्षा देनी। और साइकोलॉजिकल नीड्स, बच्चे की नीड्स क्या सब लगे, मतलब कक्षा 2 के बच्चे को कक्षा 5 की शिक्षा नहीं दे सकते हैं, क्योंकि उसकी क्या मेंटल एप्टीट्यूड अलग है, उसका साइकोलॉजिकल नीड भी अलग है। तो उसको ध्यान में रख के हमको एजुकेशन देना है। इन्होंने भी बात की है कि जो एजुकेशन होना चाहिए किस पर होना चाहिए, मदर टंग में होना चाहिए। एजुकेशन जो होता है किस पे होना चाहिए, फिजिकल प्योरिफिकेशन पे, मतलब ऐसा एजुकेशन है जिससे बच्चे का फिजिकल प्योरिफिकेशन हो। अभी हम पिछली स्लाइड में फिजिकल प्योरिफिकेशन की बात की है। और डेवलप क्या करना, अनकॉन्शियसनेस की उसका डेवलपमेंट हो। और क्या देना है बच्चे को, ट्रेन टू सेंस। इन्होंने भी बोला है, अरविंदो ने भी बोला है कि उसको सेंस की भी ट्रेनिंग देनी है, ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया जो है उसकी भी ट्रेनिंग देनी। और फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन शुड बी ब्रह्मचर्य, मतलब जब बच्चा फाउंडेशन में है एजुकेशन के, मतलब सीख रहा है अभी, उसका निम्न स्तर पे है, फाउंडेशन पे है, वो आधार पे है, तो उसको क्या करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। बाल शिक्षा केंद्रित होनी चाहिए, शिक्षा का संबंध बच्चे के जीवन से होना चाहिए। हाँ, शिक्षा बच्चे की मानसिक योग्यता और वैज्ञानिक आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। जो शिक्षा है किसमें होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए, मातृभाषा में होनी चाहिए। बच्चे की शिक्षा शारीरिक शुद्धि प्राप्त करने में मदद करती है और उसको चेतना का विकास भी करती है। और बच्चे की शिक्षा जो दी जाती है वो इंद्रियों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान देना चाहिए। तो शिक्षा का मूल आधार क्या है, ब्रह्मचर्य होगा। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन की मीनिंग क्या है। अरबिंदो घोष कम्स आउट अगेंस्ट द एजुकेशनल सिस्टम ऑफ हिज टाइम्स। ही बिलीव दैट एजुकेशन शुड बी अकॉर्डिंग टू द मेंटल एंड स्पिरिचुअल नीड। हमारा जो मेंटल और स्पिरिचुअल नीड है वो, मतलब बच्चे का
उचित ध्यान में रख के ही हमको शिक्षा देनी चाहिए। अर्न डिमांड ऑफ द कंट्री, और हमारे देश की उस समय डिमांड क्या चल रही है उस चीज को भी हम शिक्षा में शामिल करना चाहिए, उस चीज को देख के। हाँ, रियल एजुकेशन एंड मॉडर्न लाइफ, और जो मॉडर्न लाइफ है उस पर भी शिक्षा देनी चाहिए, मतलब उससे रिलेटेड शिक्षा देनी चाहिए, जो हमारा मॉडर्न लाइफ, जैसे आजकल जो मॉडर्न चीजें चल रही हैं उससे रिलेटेड शिक्षा देनी चाहिए। मतलब आजकल जब कोविड चल रहा है, ठीक है, मान लीजिए कोविड चल रहा है, तो हम अपने करिकुलम में थोड़ा सा कोविड के बारे में भी अवेयरनेस लाने के लिए वो चीज लाएं। एजुकेशन इज हेल्पिंग द ग्रोइंग सोल, मतलब एजुकेशन जो होता है वो हमारी आत्मा को ग्रो करने में हेल्प करता है। अरविंद घोष अपने अपने समय की शिक्षा प्रणाली के खिलाफ आते हैं। क्यों खिला पाते हैं? क्योंकि उस समय जो उनके समय था ना, वो बौद्धिज्म का था समय था। तो उस समय क्या था, उस समय दो चीजें बहुत ज्यादा चल रही थी। पहली चल रही थी स्पिरिचुअल, मतलब कि भगवान में जो था, भगवान का नहीं मतलब कह सकते हैं कि जैसे मतलब बौद्ध धर्म में था ना कि हर सुख समान सुख जो जितनी भी सुख वाली चीजें, मतलब घर बार, हाँ, और जो धन दौलत, ज्यादातर बुद्धिज्म में यही बताया गया घर बार धन दौलत ये सब चीजें छोड़ना है, उसी टाइप की चल रही थी, लोग छोड़ रहे थे। तो वही था कि उस समय जो शिक्षा प्रणाली थी उससे उसके ये खिलाफ थे। और कुछ लोग हैं जो मटेरियल इकट्ठा करने में लगे, मतलब धन दौलत इकट्ठा करने में, मगर इनका मतलब था कि बीच का रास्ता लेके चलिए, ना एकदम वैसा ही किया जाए ना एकदम ऐसा ही किया जाए, इनका इसीलिए ये थोड़ा उसके खिलाफ थे। और इन्होंने आगे दो पार्ट में शिक्षा को बांटा दिया, अभी हम लोग एक स्लाइड में पढ़ लेंगे। उनका मानना है कि शिक्षा बच्चों की मानसिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं और देश की मांग के अनुसार होनी चाहिए और आदमी जीवन पर आधारित होनी चाहिए, और शिक्षा बढ़ती आदमियों में मदद करती है। इनके अनुसार एम्स ऑफ एजुकेशन क्या होना चाहिए? एम्स ऑफ एजुकेशन होना चाहिए एक्वायर नॉलेज, नॉलेज प्राप्ति के लिए होना चाहिए शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए? फिजिकल प्योरिटी, मतलब जो हमारी हाइजीन, मेंटल हेल्थ, मेंटल हाइजीन के बारे में भी उसमें बात होनी चाहिए, फिजिकल प्योरिटी के बारे में बात होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए? ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस, मतलब ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय का सेंस देना है। और क्या है? लॉजिकल जो एबिलिटी है उसको डेवलप करने पे फोकस करना है, और मेंटल डेवलपमेंट पे फोकस होने पे करना है, और मोरालिटी डेवलप करनी है बच्चे में, शिक्षा का एम होना चाहिए, और स्पिरिचुअल आध्यात्मिक चीज़ों को भी डेवलपमेंट होना चाहिए, और सेल्फ रियलाइजेशन मतलब खुद का रियलाइज होना भी उस पर होना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति पे ध्यान देना, शारीरिक शुद्धता पे देना है, इंद्रियों का प्रशिक्षण पे देना है, तार्किक चीजों को सोचने समझने की क्षमता पे ध्यान देना है, मानसिक विकास पे ध्यान देना, नैतिक विकास पे ध्यान देना, आध्यात्मिक विकास पे ध्यान देना, और स्वाध्याय मतलब खुद का रियलाइजेशन पे भी ध्यान देना है। अब हम इसका देखते हैं करिकुलम क्या है। श्री अरबिंदो के अनुसार क्या क्या करिकुलम में होना चाहिए? अरबिंदो है डिस्क्राइब द फॉलोइंग फाइव प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम, इन्होंने पांच तरह के करिकुलम बताए हैं। क्या क्या बताए? करिकुलम शुड बी इंटरेस्टेड, सबसे पहले जो करिकुलम हम बना रहे हैं वो क्या होना चाहिए? बच्चों के लिए इंटरेस्टेड होना चाहिए, मतलब अच्छा लगेगा बच्चे, तभी बच्चे अच्छे से पढ़ाई करेंगे। द सब्जेक्ट ऑफ ए करिकुलम शुड बी एबल टू मोटिवेट टू चाइल्ड, मतलब ऐसा करिकुलम बनाओ जिससे बच्चा थोड़ा मोटिवेट, जैसे हमारे जो सिलेबस है इसमें कुछ थिंकर्स को रखा गया, क्यों रखा गया? क्योंकि थिंकर्स के बारे में अच्छी चीजें हमको जानने को मिल रही है, तो हमको थोड़ा मोटिवेशन भी होगा, हम भी कुछ अच्छा कर सकते। तो ऐसे ही दिमाग लगा के हमें करिकुलम बनाना है कि बच्चे में थोड़ा मोटिवेशन भी आए। करिकुलम शुड इंक्लूड ऑल सब्जेक्ट, इसमें ऑल पूरे सब्जेक्ट होने चाहिए, पूरी एक्टिविटी होनी चाहिए, विच प्रमोट, ऐसा होना चाहिए जो बच्चे का मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी कर सके। ये बच्चे का सिद्धांत है। इसमें टाइप्स ऑफ एजुकेशन फॉर द पर्पस प्रॉपर ग्रोथ फॉर लर्नर, किस टाइप की एजुकेशन हमें कब कब देनी है कि जो हमारा लर्नर है, जो हमारा स्टूडेंट है, उसकी ग्रोथ अच्छे से हो सके। इसमें इसको इन्होंने तीन तरह के स्टेज में बांट दिया है। पहला क्या बताया है? प्राइमरी स्टेज। प्राइमरी स्टेज में हमें क्या क्या शिक्षा देनी है? पहले तो जो प्राइमरी मतलब आप छोटे बच्चे को ध्यान में लेके चलिए, उनको शिक्षा कैसे देनी है? मदर टंग में देनी, उसको इंग्लिश का नॉलेज कराना, नेशनल हिस्ट्री के बारे में बताना, आर्ट की, पेंटिंग की, जनरल साइंस की, हाँ, सोशल स्टडी की और अर्थमेटिक की नॉलेज देनी है। फिर जब आएगा सेकेंडरी स्टेज, क्या क्या देनी है उसको, किसी से देनी है? देखिए इसमें क्या है, जनरल साइंस, पहले हम बच्चे को ऐसा होता भी है, पहले सिर्फ साइंस पढ़ाई जाती है, फिर उसके बाद बच्चे का क्या होता है, बायोलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री अलग हो जाता है। तो इसी तरह बताया सेकेंडरी स्टेज में क्या करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइकोलॉजी, हेल्थ एजुकेशन एंड सोशल स्टडीज के शिक्षा देनी है। सोशल स्टडीज पहले
एक सब्जेक्ट होती है, फिर बाद में आगे चल के वो अलग पढ़ना है, ज्योग्राफी अलग पढ़ना है, हिस्ट्री अलग पढ़ना है, अलग अलग चीज़ें सिविक्स हमको अलग पढ़ना है। हाँ तो ऐसे होता है। फिर यूनिवर्सिटी स्टेज में क्या पढ़ना है, इंडियन एंड वेस्टर्न फिलोसफी, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, इंडिया के बारे में जानेंगे और क्या जानेंगे, वेस्टर्न के बारे में हम जानेंगे, हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंटीग्रेशन, सब मिला के यूनिवर्सिटी में आते हैं। तो हमें ब्रॉड हिसाब से सोचना है, ब्रॉड चीज़ों को ले आना है इसमें। अब देखेंगे मेथड ऑफ टीचिंग, क्या क्या मेथड रहती है, अगर हम किसी बच्चे को शिक्षा दे रहे हैं तो अनुबंधों के अनुसार क्या क्या मेथड हम अपनाएंगे। चलिए देखें, फ्रीडम टू चाइल्ड, मतलब बच्चे को फ्री छोड़ देना है और बच्चे को अपने से सीखने देना है, लर्निंग बाय डूइंग और रिसर्च एंड बाय प्रैक्टिस, और लव एंड सिंपैथी फॉर द चाइल्ड, जो बच्चा जो जो टीचर या टीचिंग कर रहा है उसके अंदर क्या होना चाहिए, बच्चे के लिए प्यार होना चाहिए और सहानुभूति होनी चाहिए। जब हम बच्चे को प्यार और सहानुभूति देते हैं तो बच्चा भी हमें उतना देता है, प्यार देता है, मदर टंग, तो टीचर और बच्चे का जो रिलेशन है टीचर स्टूडेंट का वो अच्छा हो जाता है। मदर टंग में शिक्षा देना, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन देना, सेल्फ एक्सपीरियंस देना है, मतलब कि करके सिखाना है तो ही उसका सेल्फ एक्सपीरियंस होगा, और ग्रुप लर्निंग और कोऑपरेटिव लर्निंग को भी उन्होंने बढ़ावा दिया, सामूहिक अधिगम में और सहकारी, सामूहिक का मतलब क्या होता है, 8-10 बच्चे एक साथ मिलकर कोई काम कर रहे हैं और सीख रहे हैं, सहकारी क्या कोऑपरेट कर रहे हैं, मतलब एक दूसरे को कोऑपरेट भी कर रहे हैं और ग्रुप में काम भी कर रहे हैं, ये हो गया सहकारी अधिगम और सहकारी अधिगम और सामूहिक अधिगम। ओके, करके सीखना भी बात की उन्होंने, आत्मनिर्भर की बात की, बाल केंद्रित शिक्षा, मातृभाषा में शिक्षा देना और बच्चे के लिए प्यार होना चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए, बच्चे को आजादी होनी चाहिए कि उसको क्या सीखना है, कब सीखना है और कैसे सीखना है। इन्होंने 5 तरह के इंटीग्रल एजुकेशन का स्टेजेस के बारे में बताया हुआ, तो 5 तरह के इंटीग्रल एजुकेशन के स्टेजेस क्या क्या हैं, इसमें क्या है, फिजिकल एजुकेशन, अरविंदो ने किसकी बात की है, फिजिकल एजुकेशन की बात की है, वाइटल एजुकेशन की, मेंटल और साइकी और स्पिरिचुअल की बात की है। इसमें क्या क्या होता है, ये जैसे मतलब अभी गांधी जी को पढ़े और हमने टैगोर को पढ़े, विवेकानंद को पढ़े, तो ये इन लोगों से ये चीज़ अलग है, तो ये थोड़ा सा अलग है इसलिए क्वेश्चन आने के इसमें ज़्यादा चांसेस हैं, जो चीज़ सबसे मेल खाती है उससे क्वेश्चन कम आते हैं। जैसे कि मतलब अभी हमें अभी हमने पिछली स्लाइड में जो पढ़े हैं कि स्टूडेंट सेंटर एजुकेशन सब लोगों ने बोला है, तो वो सबका सेम हो गया, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। ये जो हम लोग हैं इंटीग्रल एजुकेशन की बात कर रहे हैं तो इसको हम लोग देखते हैं, मतलब इंटीग्रल का मतलब ये हो गया कि फोकस ऑन होल डेवलपमेंट रादर देन एकेडमिक, ये हो गया इंटीग्रल एजुकेशन। तो इसमें हम लोग एक करके देखते हैं, फिजिकल एजुकेशन, बच्चे को फिजिकल एजुकेशन भी देना, उसको शारीरिक शिक्षा का भी ज्ञान कराना है उसको, और उसको वाइटल एजुकेशन भी देना, वाइटल एजुकेशन का मतलब आर्ट का भी एजुकेशन देना, उसको क्राफ्ट का एजुकेशन देना है ताकि वो वोकेशनली तौर पे तैयार हो सके, और उसको कैसा देना है, मेंटल एजुकेशन, मेंटल हेल्थ और मेंटल हाइजीन का भी उसमें ध्यान रख के बच्चे को एजुकेशन देना है, और साइकी मतलब बच्चे का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हमको करना है, उसका करिकुलम, उसका मेथड ऑफ टीचिंग हमको ऐसा अपनाना है कि बच्चे का साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हो सके। और इन लोगों ने एक बताया अरविंदो ने कि स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, गांधी जी भी स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात की, विवेकानंद ने की है, और इन्होंने भी बात किया स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की, बच्चे के अंदर आध्यात्म शिक्षा का भी हमको डेवलपमेंट करना है। और अरविंदो ने, अब तक आप लोगों ने देखा था सिर्फ 5 सेंस होता है, पर अरविंदो ने एक और सेंस के बारे में बात किया, अगला सेंस क्या है, माइंड, इन्होंने 6 सेंस की बात की है। 6 सेंस कौन कौन से हैं, जो आपके 5 सेंस है, 5 आपकी अभी हम लोग वेदांत में पढ़े हैं, 5 सेंस के माने वेदांत नहीं सांख में पढ़े थे हम लोग, जो 25 तत्वावास बनाए हैं ना, याद हो गया आप लोग को कि नहीं याद हुआ, अभी वो याद कर लीजिए, उसमें 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां हम लोग बारे में बात की है, हाँ महाभूत 5 महाभूत सब याद है आप लोग, याद नहीं है तो याद कर लीजिए। तो जो 5 उसमें ज्ञानेंद्रियां बताई गई हैं, सेंस ऑर्गन हमारे बताए गए हैं, उसमें इन्होंने एक और ऐड कर दिया है माइंड, और इन्होंने बताया है कि जो माइंड है वही ओवरऑल हर चीज को कंट्रोल करता है, और इन्होंने इन्होंने माइंड के ऊपर बहुत सारी चीजें बताई, जो अभी की स्लाइड में सिर्फ माइंड 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 ही हम लोग को पढ़ना, तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखे पड़ेगा, अगर माइंड से क्वेश्चन कहीं भी आए तो हम लोग अरविंदो की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इन्होंने माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च किया है। तो क्या इन्होंने बताया, 2
क्वालिटीज ऑफ माइंड, इन्होंने माइंड की दो तरह की क्वालिटीज बताई है। पहली क्या बताई है, वेल डिसिप्लिन एंड इंडिविजुअलाइज्ड। ठीक है, वेल डिसिप्लिन का मतलब क्या हो गया, मतलब कि वो जो हमारा माइंड है वो अच्छे से डिसिप्लिन होना चाहिए, और इंडिविजुअलाइज मतलब कि सबका जो माइंड है वो अलग अलग काम कर रहा है, तो इसको भी हम लोग को ध्यान में रख के चलना। वेल डिसिप्लिन का मतलब ये भी हो गया कि मतलब वेल स्ट्रक्चर्ड, मतलब अच्छे से उसका जो हमारा माइंड है उसको एक वेल स्ट्रक्चर्ड वे में हमको लेके जाना है। और इनविजिलाइज लाइट का मतलब क्या हो गया कि मतलब जो सबका दिमाग है वो अलग अलग है और उस पर भी हम लोग को ध्यान देना, मतलब इंडिविजुअल जो डिफरेंस है उसको ध्यान रखे जाना है। लेकिन ये दो जो चीजें हैं कि क्वालिटी जो इन्होंने बताई है माइंड की, वेल डिसिप्लिन और वेल इंडिविजुअलाइज, इस चीज को ध्यान में रखे चलना है। अब क्या है, डिफरेंट प्लेन्स ऑफ माइंड, इन्होंने माइंड की अलग अलग तरीके का इसका बताया, चरण बता दिया है। इन्होंने क्या क्या बताया, ये क्वेश्चन आया है और आ भी सकता है, पहले के सालों में क्वेश्चन आया ऑर्डिनरी माइंड, क्योंकि ये अलग है, जो अलग चीजें हैं ना वही फंसाएंगे इनको, तो उसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। इन्होंने क्या क्या फेज बताए हैं, ऑर्डिनरी माइंड है और हायर माइंड है, इल्यूमिनेटेड माइंड है, इंटीट्यू माइंड है, ओवर माइंड है, और क्या है, सुपर माइंड है। साधारण मन, उच्च मन, प्रबुद्ध मन, सहज मन, माइंड के मन के ऊपर मतलब ओवर माइंड एंड सुपर माइंड, और माइंड लेयर बताए ना कि ये माइंड के बारे में बहुत ही ज्यादा रिसर्च की है और अलग अलग टाइप के माइंड से बताए गए हैं। तो फोर माइंड लेयर क्या है, चलिए देखते हैं। माइंड की चार लेयर के बारे में इन्होंने बताया है। पहला क्या बताया है, चित्त, ऐसे हिंदी में चित्त, इंग्लिश में चित्ता है होता, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि पास्ट एक्सपीरियंस, पास्ट एक्सपीरियंस, हमारा जो दिमाग है, जो चित्ता होता है उसमें हमारा क्या होता है, पास्ट एक्सपीरियंस होता है, और जो मनस होता है उसमें क्या होता है, उसमें परसेप्शंस होते हैं। परसेप्शन मतलब कि हमारा किसी चीज पे सोचने समझने और देखने का नजरिया क्या है, वो क्या हो जाता है, परसेप्शन हो जाता है। तो एक लेयर चित्ता हो गई, इसमें पास्ट एक्सपीरियंस हो गया, मानस में क्या हो गया, परसेप्शन आ गया, और इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट में क्या आ जाता है, क्रिएटिविटी आ जाती है, और इसमें क्या आ जाता है, एनालिटिकल थिंग्स आती है। एनालिटिकल थिंग्स आ गए, हाँ, इंटेलेक्ट मतलब बौद्धिक चीजें में, इसका मतलब हिंदी में हो गया बौद्धिक चीजें। बौद्धिक चीजों में क्या आता है, हम लोग बौद्धिक मतलब दिमाग से क्या करते हैं, क्रिएटिविटी करते हैं, एनालिटिक जो चीजें होती है वही सब करते हैं ना, तो उससे यही मतलब है। इंट्यूशन, इंट्यूशन का मतलब क्या हो गया, हायर नॉलेज, ये थोड़ी ऊपर की नॉलेज होगी, हायर नॉलेज, KNOWLED। चार तरह की माइंड है, जो अलग टाइप के क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंस है। इन्होंने टू निगेशन मतलब कि पूरी तरह से दो चीजों को नेगलेक्ट कर दिया, एक क्या बताया है, तपस्वी, या दूसरा सामग्री, एसेटिक बताया है, दूसरा क्या बताया, मटेरियल। जैसे कि हम बोले ना कि इनके समय में बौद्ध धर्म का ज्यादा मतलब प्रचार प्रसार था, उस समय ज्यादा उस चीज का सबके ऊपर इफेक्ट होता है। एसेटिक चीजों को उन्होंने नेगलेक्ट किया, मतलब कि जैसा बौद्ध धर्म होता है कि सांसारिक चीजों को छोड़ देना है, घर बार छोड़ देना है, ये सब चीजों को बताई, तो इन चीजों का भी इतना भी नहीं करना चाहिए। हाँ, इन्होंने ऐसा बताया, इन्होंने बताया जो फाउंडेशन है तभी उनका ब्रह्मचर्य जीवन जीना है, फिर उसके बाद हम गृह जीवन में प्रवेश करते, मतलब जब तक फाउंडेशन की पढ़ाई चल रही है तब तक ये सब ठीक है, उसके बाद हमको गृह जीवन में प्रवेश कर जाना चाहिए, ये नहीं कि मोह माया सब छोड़ के बैठ जाओ। और इसका इन्होंने विरोध किया है, नेग्लेशन तो पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दिया, उसका विरोध किया है। और दूसरा मटेरियल कि मतलब पूरी तरह से मटेरियल चीजों को, कि नहीं मटेरियल चीजें क्या है, हमारी धन दौलत थी, हमारी धन दौलत वस्तुएं हुई, अच्छे गहने हुए, अच्छे कपड़े हुए, ना जमीन हुआ, ये सब चीजों का भी संग्रह ज्यादा से ज्यादा नहीं करना है, इसका भी उन्होंने नेग्लेशन कर दिया, मतलब उतना ही करना है कि जितना मतलब हमारी आजीविका चल सके।
आवाज तो मैं तेज बोल रही हूँ। अब ये आवाज ठीक है? कभी कभी कुछ लोगों के यहाँ ना दिक्कत आती है। आप लोग क्लास में और लोग भी हैं तो कभी कभी उन लोग की दिक्कत आती है कि उन लोग को आवाज धीरे सुनाई देती है, पर ऐसा होता नहीं। देखिए यहाँ वॉल्यूम है ना पूरा एकदम फुल करके रखे हैं। ओबीएस से मेरी आवाज पूरी फुल है, तो मैंने यहाँ से बढ़ा दिया। अब आवाज ठीक आ रही है? अगर आ रही है, गुड इवनिंग राखी, आपके बारे में हम सोच रहे थे। कभी कभी आपको भी आवाज कम आती है ना, तो नेटवर्क की दिक्कत होती है। तो दिनेश जी भी बोल रहे हैं कि आवाज कम आ रही है, तो हमको लग रहा हो सकता है उनके नेटवर्क की दिक्कत हो। तो राखी आपको आवाज सही आ रही है? अब हम लोग का जिसको थिंकर्स हैं, सारे थिंकर्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग जो यूनिट वन का डी पार्ट है उसका एकदम लास्ट पढ़ेंगे। उसमें लास्ट में क्या लिखा है? नेशनल वैल्यूज एंड इंस्ट्रिंग इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कि भारतीय समाज में भारतीय संविधान में क्या क्या निहित मूल्य हैं। ओके राखी, नो प्रॉब्लम। ठीक है दिनेश, थोड़ा आप अपना नेटवर्क देख लीजिएगा, ऐसे दिक्कत होती है इसलिए मुझे लगा कि हो सकता है आपके यहाँ नेटवर्क की दिक्कत है, क्योंकि मेरे यहाँ से मेरे ओबीएस में भी फुल है, मेरे लैपटॉप की जो आवाज़ है वो भी फुल है, तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से, ये लगता है। तो अब हम लोग बस एक टॉपिक हम लोग का बचा है कि मतलब जो संविधान है उसमें उसमें बहुत सारे मूल्य निहित हैं, ठीक है ना। तो कुछ कुछ यहाँ इसमें दिए गए हैं, वही वही आपको पढ़ना है। सोशलिज्म के बारे में पढ़ना है, जस्टिस के बारे में, लिबर्टी के बारे में, डेमोक्रेसी, इक्वलिटी, फ्रीडम, यही पढ़ना है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रख के पढ़ना है कि एजुकेशन का जो स्पेशल रेफरेंस देते हैं उसको पढ़ना, मतलब एजुकेशन में ये चीजें कैसे इंपॉर्टेंट है, जो भी चीजें हमारे भारत संविधान भारतीय संविधान में लिखी है वो कैसे इंपॉर्टेंट है, बस। ओके तो आज की क्लास में हम लोग इसको भी जल्दी से करके खत्म करेंगे। राखी यूनिट फर्स्ट का डी पार्ट चल रहा है, हम लोग का थिंकर्स कंप्लीट हो गया, और आज ये फिर हम लोग वैल्यूज पढ़ेंगे कि संविधान के में क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं, क्या क्या मूल्य हैं, ठीक है। वैल्यूज इंस्ट्रेंट इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यही टॉपिक चल रहा है जो सामने दिख रहा है। तो हम लोग थोड़ा जल्दी जल्दी करके एक दो, अगर हो पाता है, पूरा तो नहीं हो पाएगा वैसे, 10 मिनट ही समय है, तो ठीक है जितना हो पा रहा उतने के, क्योंकि आप लोग 7 बजे से फर्स्ट फर्स्ट पेपर किसी किसी की क्लास भी रहती है, तो इस वजह से मैं ज्यादा पढ़ा भी नहीं सकती। हिंदी इंग्लिश दोनों है। आगे रखे समझ में, इसका मतलब ये है कि भारतीय संविधान, जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें बहुत सारी चीजें निहित है, उसमें अलग अलग चीजें निहित है, मतलब जैसे कि सामाजिकता की बात की गई है, और बराबर क्या उसमें उसमें न्याय की बात की है। हाँ पहली वाली क्लास देखनी पड़ेगी तो ही समझ में आएगी। अभी हम लोग पढ़ा लेते उसको हम बात करते हैं, ठीक है। आप लोग के क्वेश्चन का जवाब तब देखेंगे। रिकॉर्डेड क्लास देखने में ये क्लासेस अच्छी नहीं लगती जो बीच बीच में बोली जाती हैं। अभी पढ़ा ले उसके बाद हम लोग टाइम देंगे 10-15 मिनट, जो भी आपको समझ लगेगा उसके बाद ही हम जाएंगे। तो जो हमारा भारतीय संविधान है उसमें बहुत सारी चीजें निहित है। एजुकेशन उसमें क्या है, समाज मतलब सामाजिक समाजवाद का उसमें है, ठीक है। न्याय क्या क्या मिले हैं हम लोग को, हमारी लिबर्टी में क्या क्या है, हाँ मतलब हमारे अधिकार क्या क्या, क्या क्या समानता के अधिकार है उस चीजें वर्णित है,
हमारे और लोकतांत्रिक की चीजों के बारे में भी आया है। तो वही वही चीजें हमको उसमें पढ़नी है कि क्या क्या चीजें एजुकेशन के लिए क्या क्या चीजें उसमें बताई गई है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ एनी कंट्री सेवरल पर्पज, मतलब किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन का, किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन, उसके बहुत सारे पर्पज होते हैं। तो कुछ पर्पज हमको जो हम लोग इसमें पढ़ने हैं, ओके okay? क्योंकि जो कोई भी कंट्री होती है वो कैसे बनी होती है, वो पीपल से बनी होती है। कोई भी देश है तो वो देश कैसे बनता है, पीपल्स मिलता है। और जो पीपल्स होते हैं वो बहुत सारी अलग अलग कम्युनिटी से आते हैं, सबकी कम्युनिटी अलग अलग है। और सबका क्या है, तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जब भी कोई कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा तो हर आदमी को ध्यान में रख के बनाया जाएगा, उसकी नीड क्या है उसको ध्यान रख के बनाया, ताकि उसको समता का अधिकार मिल सके। ये किसी भी देश का संविधान कई उद्देश्यों को पूरा करता है, कुछ आदर्शों को निर्धारित करते हैं जो कुछ प्रकार के समाज का आधार बनाते हैं जिससे हम रहने की इच्छा रखते हैं। एक देश आमतौर पर लोगों के विभिन्न समुदाय से बना होता है जो कुछ मान्यताओं को साझा करता है। हर आदमी अलग अलग कम्युनिटी से, और हर कम्युनिटी की अलग अलग मान्यताएं होती हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि सभी मुद्दों पर सहमत हो। पर यह भी नहीं जरूरी है कि हमारी जो कम्युनिटी, हम दूसरे कम्युनिटी की हर बात को माने, हर उनका रीति रिवाज, उनका कल्चर हम मान के चले, तो ये भी है। लेकिन उसके बाद भी हम लोग जुड़े हैं, किससे जुड़े हैं, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हैं। तो एक एक करके हम इसको देखते हैं। सोशलिज्म, सोशलिज्म का मतलब क्या होता है, समाजवाद। चलो अभी देंगे चलो। सोशलिज्म की बात करते हैं, इसमें क्या हो गया कि पहली बात है, जो ये सोशलिज्म था पहले किसमें था, पहले ये था नीति निर्देशक तत्व में था। लेकिन जो 42nd अमेंडमेंट हुई, मतलब कि अमेंडमेंट का मतलब होता है संशोधन, हाँ, जो 42वां संशोधन हुआ उसमें जो सोशलिज्म था वो नीति निर्देशक तत्वों से वो अलग से इसमें जोड़ा गया था। ये कब हुआ था, 1976 में ये हुआ था। समाजवाद शब्द आर्थिक नियोजन के संदर्भ में प्रयोग और उपयोग किया गया, ठीक है, वे प्रमुख भूमिका को दर्शाता है अर्थव्यवस्था। इसका अर्थ हटाने जैसे आदर्शों की प्राप्ति करने की प्रतिबद्धता भी है। असमानताएं सभी के लिए न्यूनतम बुनियादी आवश्यकताओं का प्रदान, समान के लिए समान वेतन, जैसे कि मतलब कि एक तरह से ये समाजवादी चीज को ध्यान में रखिए, मतलब कि समाज में जितने लोग रहेंगे, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यही कहता है समाज में जितने लोग रहेंगे तो हमको सबके लिए एक समान वो चीज मिलेगी, ठीक है। जैसे कि मतलब राइट टू एजुकेशन एक्ट आया, तो वो क्या है, वो एक तरह से जितने भी लोग थे समाज में, चाहे छोटे बड़े, गरीब अमीर, कोई भी था, तो किसी भी कम्युनिटी का, वो सबके लिए वो स्कीम एक तरह से काम थी। ये क्या हुआ, ये हमारा समाजवाद हुआ। और जैसे ये स्कीम आई मिड डे मील, MDM, मिड डे मील आई, तो ये भी जो स्कीम थी वो सारे लोग को एक साथ काम, ऐसा नहीं था कि जो दूसरे किसी कास्ट का था, हाँ ठीक है, मान लीजिए ब्राह्मण था तो उसको ज्यादा मिला, दो रोटी ज्यादा मिला, ऐसा नहीं हुआ ना। जो दलित था उसको एक रोटी कम मिला, या दलित को दो रोटी ज्यादा मिला, ऐसा नहीं होता है। जितने लोग हैं सबको एक बराबर मिला। तो ये क्या हुआ, यही हमारा इसमें समाजवादी मतलब सोशलिज्म हुआ कि जितने लोग हमारे देश में है, देश की जो जनता है उनको जो एजुकेशन है सबके उसका समान अधिकार है। अब हम लोग बात करेंगे धर्म निरपेक्षता, मतलब सेकुलरिज्म। चलो अभी आ रहे, चलो एक मिनट। अब हम लोग बात करेंगे सेकुलरिज्म, मतलब कि धर्मनिरपेक्षता। इंडिया जो है उसमें अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, हाँ, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, अलग अलग लोग करी गए हैं।
तो सबको क्या है, सबको हमारे यहाँ भारत न धार्मिक है न अधार्मिक और न ही धर्म विरोधी, मतलब कि सबको अपनी अपनी फ्रीडम मिली है, अपने हिसाब से वो अपने अपने धर्म के हिसाब से वो पूजा पाठ कर सकता है। क्योंकि जो भारत है, जो हमारा देश है, इसके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, वो सिर्फ एक देश है, ना वो धार्मिक है ना वो अधार्मिक है, और ना ही वो किसी धर्म का विरोधी, मतलब कि किसी धर्म का विरोधी नहीं है, और भारत का कोई धर्म नहीं, वो सिर्फ भारतीय है। उसकी नेशनलिटी क्या है, वो भारतीय, वो मतलब खुद भारत है। हाँ, उसका कोई धर्म नहीं है, उसकी कोई जाति नहीं है, वो धर्म विरोधी नहीं है। तो इसमें हम लोग को सब सब अधिकार मिला हुआ कि हम लोग अपने हिसाब से जैसे चाहे वैसे धर्म का रक्षा करना हो, या फिर उसका उससे उससे रिलेटेड कोई भी कर्मकांड करना हो, वो कर सकते हैं। ये हो जाता है धर्म निरपेक्षता में आता है या सेक्युलरिज्म में आता है। इससे क्वेश्चन ज्यादातर आता है मैच द फॉलोइंग, और इससे एक क्वेश्चन हर बार आता है और बहुत ईजी है, बस नाम से पता चल जाएगा आपको कि किसमें किसकी बातें हो रही। बस यही ध्यान में रख के चलना है कि क्वेश्चन बहुत टफ नहीं पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। इसमें क्या क्या दो चीजें आती हैं, प्रत्येक व्यक्ति किसी भी धर्म में विश्वास करे और अभ्यास करने की स्वतंत्र, मतलब कि कोई व्यक्ति किसी धर्म में, मतलब कि कोई व्यक्ति मुस्लिम धर्म में विश्वास करता है तो उसको आजादी है, तो वो अपना नमाज पढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। और राजधर्म के आधार पर किसी व्यक्ति या समूह के साथ भेदभाव नहीं करेगा, मतलब भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ये लिखा है कि जो कोई भी राज्य है वो किसी भी धर्म के, उसके धर्म के हिसाब से उसमें भेदभाव नहीं करना। सब मिला के धर्म निरपेक्षता का मतलब आप लोग समझ गए बस के लिए। अब क्या होगा, जस्टिस, जस्टिस का मतलब है कि न्याय, सबके लिए जो न्याय है, जो हमारी न्यायपालिका वो सबके लिए बराबर है। अगर चोरी करने की 2 साल की सजा है तो वो सबके लिए है, चाहे वो किसी कास्ट का हो, चाहे वो किसी धर्म का, उससे कोई मतलब नहीं है, सबके लिए एक बराबर है। जो हमारे शिक्षा का अधिकार है वो सबके लिए एक बराबर है। कोई भी मतलब एजुकेशनल ऐसी घटना हुई, जैसे कि मान लीजिए लोग पर्चा आउट करा दे रहे हैं, होता है ना, सबका पर्चा आउट हो जा रहा है, यहाँ पर आउट हो गया, वहां पेपर आउट हुआ, वहां पेपर आउट हुआ, तो उसका जो जो उसका दोषी हुआ सबके लिए एक ही है, चाहे वो कहीं का भी हो। अगर पेपर आउट कराने पर 5 साल की कैद होती है तो उसको भी 5 साल की कैद मिलेगी। ये बताया, ठीक है। इसमें क्या है, फूड, क्लोथिंग, हाउसिंग एंड पार्टिसिपेटिंग इन डिसीजन मेकिंग एंड लिविंग द डिजनी एंड ह्यूमन, ठीक है। इसका क्या, जो हमारे बुनियादी अधिकार है, क्या क्या हमारे अधिकार है, भोजन है, कपड़ा है, आवास है, ये सब हमारे बुनियादी अधिकार है, और इसमें सबको न्याय मिला है। मतलब सब लोग अपने हिसाब से, जिसका जो मन के, जिसका जो खाना है, जिसका जो कपड़ा पहनना, जिसको जो जिस हिसाब से घर बना के रखना, उसमें वो क्या है, स्वतंत्र है, उनको ये स्वतंत्रता दी गई है। और इसमें ये चीजें हम आपको भेज देंगे, तो आप इसको थोड़ा सा डीपली में भी पढ़ लीजिएगा उसको, ठीक है। और जेंडर, रेस, क्लास, हाँ, सिटीजनशिप, रिलीजन, एज, सेक्सुअलिटी, किसी भी चीज का इसमें क्या है, सबको इक्वल राइट्स मिले हुए, यही आपका न्याय है। और क्या हो गया, लिबर्टी, मतलब कि स्वतंत्रता, सबको स्वतंत्रता है, जैसे कि वाक की स्वतंत्रता है, कहीं आने, वाक का मतलब बोलने की, हाँ, बहुत ज्यादा ये आता है, व्यक्ति की अभिव्यक्ति एंड आजादी की स्वतंत्रता। आप सब लोगों ने सुना, ये जो ऐसा टॉपिक है कि हमको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इसके नाम पे लोग कुछ भी बोल देते हैं, किसी को, कोई मोदी जी को गाली दे रहा है, कोई राहुल जी को गाली दे रहा है, हाँ, कोई किसी को भी कुछ कह सकता है। क्यों कह सकता है, ये ज्यादातर नेताओं में ही ज्यादा होता है कि उसको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, मतलब हमारी जो अभिव्यक्ति, मतलब मेरे अंदर जो ख्याल आ रहे हैं उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। पर ऐसा होना नहीं है, जैसे अभी राहुल गांधी को आप लोगों ने रिसेंट में ही सुना है कि क्या है, उनकी सदस्यता खत्म कर दी गई है, मतलब उन्होंने जो मोदी है, मोदी क्या, मोदी एक तरह की जाति है, हाँ, बहुत सारे लोग मोदी नाम से, तो उनको क्या किया, उनका नाम का गलत यूज किया, उनको उनको कुछ बोला, चोर बोला है, ठीक है, उससे उनकी सदस्यता जो है संसद की वो खत्म कर दी गई है। तो इनको लगेगा, राहुल जी को, कि ये तो मेरी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, मैं बोल सकता हूँ जो मेरे मन में, पर ये क्या है, राहुल जी सही किए गलत किए उससे नहीं मतलब, वहां हम लोग इसको बात नहीं करें, मैंने बस एक उदाहरण दिया। तो ये उनकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो गई, उन्होंने वो बोल सकते थे बोल, लेकिन हमारे संविधान में लिखा हुआ कि हमारी स्वतंत्रता वहीं तक है जहां तक दूसरों की स्वतंत्रता भंगित ना हो,
ये साफ साफ लिखा है। तो हमें स्वतंत्रता मिली, हर चीज की स्वतंत्रता मिली, हम अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, ठीक है, बिलीव्स को, फेथ को हम पूजा कर सकते हैं, हम अपनी वैल्यूज की स्वतंत्रता, हमारी जो हमारी वैल्यूज हमको अच्छा लगे वो कर रहे हैं, लेकिन वहीं तक है जहां तक दूसरे को दिक्कत ना हो, मतलब किसी और कम्युनिटी किसी मेंबर को आपसे प्रॉब्लम ना हो, वहीं तक आपकी स्वतंत्रता है। ये आ जाएगा आपके लिबर्टी में। अब सब सिर्फ इसका वर्ड याद कर लेंगे ना, लिबर्टी को क्या बोलते हैं, ठीक है, लिबर्टी अगर आपको लिबर्टी स्वतंत्रता बोलते हैं, लिबर्टी है तो सब स्वतंत्रता देख लीजिए, हिंदी भी आएगा उसका एग्जाम में, तो जिसको हिंदी आ रहा है वो हिंदी देके भी क्वेश्चन सही करते हैं, जिसको इंग्लिश आ रहा है उसको इंग्लिश देके भी क्वेश्चन सही कर सकते हैं। हम नोट्स दोनों में देंगे आप लोग को। अब देखते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होगा, लोकतांत्रिक, मतलब कि हमारा जो देश है वो सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, इंडिया ही है। लोकतांत्रिक का मतलब क्या है, हमको अधिकार है अपना जो नेता है चुनने का। बहुत से जो देश है वहाँ जनता को अधिकार नहीं होता है अपना नेता चुनने का, लेकिन इंडिया को में ऐसा नहीं है। इसमें है कि चाहे लड़का हो लड़की, आफ्टर 18 वो वोट डाल सकता है और अपना नेता चुन सकता है। ये क्या है, ये हमारी डेमोक्रेटिक ताकत है। और इक्वालिटी, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है, समानता, मतलब सबको अपनी अपनी समानता है, सब लोग जो लोग हैं एक तरह के हैं। हाँ, जो 18 साल का जितने लोग हैं सब लोग वोट डाल सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं आएगी, सबको अपनी अपनी समानता है, चाहे वो किसी धर्म का हो। ये लिखा है ना, भारत के सभी नागरिकों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, जाति पंथ धर्म लिंग जाति इसके आधार पे हम कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे, चाहे वो भारत का कोई सर्वोच्च अधिकारी हो, चाहे वो हुआ, चाहे कानून हुआ, चाहे कोई भी हुआ, उससे उसको वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबके अंदर सब लोग एक समान है। फ्रीडम, स्वतंत्रता की बात है कि मतलब हम कहीं भी आ जा सकते हैं, हम अपनी तरह से अपनी आजादी से, मतलब कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमको है, कहीं आने जाने की स्वतंत्रता है, अपने देश में मतलब कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी घर बनवा सकते हैं कुछ राज्य को छोड़ के। तो ये क्या हो, ये हमारी क्या है, बुरी तरह से स्वतंत्रता में आती है। अब आज का जो पूरा है डी टॉपिक, यूनिट 1 का डी टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो चुका है, जिसको जहाँ भी दिक्कत है वो पूछ सकता है हमको। हाँ, और जो सोनी बात करनी थी, अब कोई भी जिसको प्रॉब्लम है वो बात कर सकता है, 10 मिनट 5 मिनट जिसको जो भी बात करनी है आप लोग करिए, कोई दिक्कत नहीं है। सोनी ने पूछा कितना टॉपिक बचा है, ये बहुत ही लंबा यूनिट था। हाँ, और इसको देखने में तो लंबा लग रहा है और इससे भी ज्यादा है उसको पढ़ाने में लंबा, क्योंकि एक एक टॉपिक, एक एक जो मतलब कॉन्सेप्ट है उसके अंदर दो दो तीन तीन कॉन्सेप्ट है, तो कुछ हम छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो आपके नेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डीप में पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। हाँ, तो इसमें क्लासेस थोड़ी ज्यादा हो गई है, तो अभी खत्म क्या हुआ, अभी पार्ट 1 खत्म हो गया हमारा, इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलोसफी खत्म हो चुका है, और एक क्या खत्म हुआ, जो अभी थिंकर्स वगैरह आज जो खत्म हो गया, दूसरा खत्म हो गया, अभी हम लोग का 2 बचा है, कल से हम लोग वेस्टर्न फिलोसफी शुरू कर देंगे, फिर उसके बाद, अब उसके बाद हम लोग सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन पढ़ेंगे, मतलब 2 यूनिट खत्म हुआ, अभी 2 यूनिट बचे हैं, तो मतलब कम से कम इसमें 4 दिन तो लगेगा ही, 3 से 4 दिन तो इसमें लग जाएंगे अभी यूनिट खत्म होने में, काफी लंबा यूनिट है, बहुत दिन से चल रहा है। और बाकी जो जो यूनिट के हम लोग यूनिट 3 पढ़े वो भी हम लोग 5 दिन में खत्म कर लिए, 5 से 6 दिन में, और जो यूनिट 5 पढ़े थे वो हम लोग भी 5 दिन में कंप्लीट कर लिए, पर ये यूनिट बहुत बड़ा है, थोड़ा सा बहुत लेंदी है, तो इसमें हम लोग क्या है इसको पढ़ लिए, अब थोड़ा नेक्स्ट यूनिट जो स्टार्ट करेंगे वो थोड़ा सा इजी स्टार्ट करेंगे, ताकि आप लोग का जो माइंड है थोड़ा सा कूल बना रहे, आप लोग घबराइए नहीं, पढ़ना तो सब है हम लोग को। और भी कोई क्वेश्चन है सोनी? नाइन को फिलर फॉर्म की तरफ से एक स्कॉलरशिप का टेस्ट आयोजित किया जा रहा है। हाँ, उसमें आपको क्या करना, फिलर फॉर्म को जो आप सब में ऐप डाउनलोड होगा, बस उसी ऐप में नाइन को आपने एक क्वेश्चन पेपर आएगा, बस उसको सॉल्व करके उसको सबमिट कर देना है। अगर आप मतलब अच्छी रैंक ले आते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, आपके 90% फीस है वो माफ हो जाएगी, जो लोग फीस दे दिए हैं उनका 90% उनको रिफंड भी हो जाएगा, तो आप लोग एक बार जरूर उस टेस्ट में लो, अगर नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, आपको एक्सपीरियंस तो मिलेगा, आप कहाँ गलत हैं, आप कितने नंबर पे हैं, तो ये तो आपको मिलेगा ना कम से कम। तो आप लोग, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग
ज्वाइन जरूर करेंगे, ठीक है। और किसी कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत परेशानी, कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए। फिर सोनी ने बोल दिया नो मैम, सब ठीक है, ओके। बाकी लोग भी अपना बता दें, नहीं तो फिर बाय, गुड नाइट, कल की क्लास में फिर मिलते हैं। कल 6 बजे क्लास होगी फिर आपकी, मॉर्निंग वाली क्लास कल से नहीं परसों से होगी, फिर जो होगी तो हम आपको बता देंगे। क्योंकि तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी लेनी पड़ेगी तो ही काम चलेगा। ओके बाय सबको फिर।